गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। गुड मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बहारा यूनिवर्सिटी। झील किनारे से सीवरेज पाइप ले जाने का विरोध। एचआरटीसी बस में इस महिला के लिए मसीहा बनाए चालक परिचालक। मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी। और अब समाचार विस्तार से। तीन धर्मों की आस्था की प्रतीक रिवालसर झील किनारे से नगर क्षेत्र की सीवरेज पाइप ले जाने का रिवालसर के डीएजी संस्था सहित क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों ने कड़ा विरोध जताया है। डीएजी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश शर्मा सहित संस्था से जुड़े लोगों का कहना है, रिवालसर की ऐतिहासिक पवित्र झील के बिल्कुल नजदीक से सीवरेज पाइपलाइन बिछाना ठीक नहीं है। भविष्य में अगर पाइपलाइन तथा बनाए गए चैम्बरों में कोई लीकेज या टूटने की घटना होगी तो पाइपलाइन में बह रहा सारा मल पवित्र झील में ही समाएगा, जिससे झील प्रदूषित होगी और उसमें पल रही मछलियों पर भी संकट आएगा। झील प्रेमियों ने कहा है कि पवित्र झील के प्रति हिंदू, बौद्ध व सिख धर्म के लोगों की गहरी आस्था है। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाएगी। लोगों ने संबंधित विभाग व स्थानीय प्रशासन से अपील करते हुए कहा है, सीवरेज पाइपलाइन के लिए कोई अलग रास्ता चुना जाए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू हुआ है, जो कि सीवरेज की लाइन है, मतलब इन्होंने अभी झील के अंदर से ही डालना शुरू कर दी है। ये बहुत गलत है। इसमें सारी धार्मिक संस्थाएं, सारे सामाजिक संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ये सीवरेज लाइन अंदर से नहीं होनी चाहिए। कल दिन को कभी भी इनमें थोड़ी सी भी अगर लीकेज होगी तो जो गंदगी है वो रिवालसर झील में जाएगी। पहाड़ों की रानी शिमला की तलहटी में बसी बाहरा यूनिवर्सिटी वानका घाट सोलन गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों से योग्य स्टाफ, शानदार कैंपस व बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा के लिए लाजवाब माहौल प्रदान किया जा रहा है। छात्रों की प्लेसमेंट को लेकर भी देश विदेश की नामी कंपनियों के साथ करार किया गया है। बाहरा यूनिवर्सिटी द्वारा 50 से अधिक कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिनके लिए एडमिशन ओपन है। बाहरा यूनिवर्सिटी के चांसलर गुरविंदर सिंह बाहरा ने बताया कि योग्य स्टाफ के साथ बच्चों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान की जा रही है। बच्चों के लिए सुरक्षित व गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना ही हमारा लक्ष्य है। एचआरटीसी कर्मियों के लिए ड्यूटी देना हर दिन कुआं खोदने के समान होता है और सभी कर्मी अपनी ड्यूटी बड़ी ही मेहनत और जोखिम के साथ करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आज सुबह नगरोटा सूर्या में निगम की बस में सामने आया। निगम के बस चालक तथा परिचालक की प्रशंसा हर व्यक्ति कर रहा है। समय सारिणी की परवाह न करते हुए चालक तथा परिचालक ने एक महिला की जान बचाई। हुआ यूं कि सुबह पठानकोट से शिमला बाया नगरोटा सूर्या जाने वाली बस में एक महिला यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई और वह बेसुध हो गई। उसे तुरंत बस के चालक तथा परिचालक ने नगरोटा सूर्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचाया। महिला डॉक्टर ने बताया, इस महिला का बीपी लो हो गया था। पंचायत प्रधान तथा लोगों ने अस्पताल में महिला डॉक्टर तथा स्टाफ की भी प्रशंसा की। जब तक महिला ठीक नहीं हुई तब तक सभी बस में बैठे यात्री, बस के चालक तथा परिचालक वहां उस महिला का पूरा सहयोग करते नजर आए और फिर ठीक होने के बाद इस महिला को बस में बैठा कर ले जाया गया। सरकार तथा विभाग से पंचायत प्रधान तथा लोगों ने आग्रह किया है कि इस तरह के चालक परिचालकों को सरकार की तरफ से इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करना चाहिए। पठानकोट से ठियोग जाने वाली बस में महिला सवारी की अचानक तबीयत खराब होने से उन्हें हम नगरोटा सूर्या हॉस्पिटल में लेके आए हुए हैं। तबीयत ठीक है उसकी? अभी उनके तबीयत में थोड़ा सुधार है। रविवार सुबह हिमाचल सरकार में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने मां चिंतपूर्णी की पावन पिंडी के दर्शन किए। बारीदार सभा के प्रधान और मुख्य पुजारी रविंद्र छिंदा ने उनकी हाजिरी विधिवत तरीके से मां के चरणों में लगवाई।
कार्यवाहक मंदिर अधिकारी रोहित जालटा ने मां की फोटो और चुनरी उन्हें भेंट स्वरूप दी। मंदिर में माथा टेकने के बाद ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने प्रेस वार्ता में कहा, हिमाचल में होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत तय है। वहीं गृह रक्षक कल्याण संघ के अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह चोहड़िया ने भी उनसे मुलाकात की और अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत करवाया।